सो हेलो गाइस, मैं हूं साहिल, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, वीवो की तरफ से V23 सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है जो है वीवो V23e 5G। और गाइस, ये आप V23 सीरीज का एक बेसिक मॉडल कह सकते हैं। 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 25,990 रुपये में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। तो इस बजट में इस स्मार्टफोन में क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कैमरा क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, कितने 5G बैंड्स दिए गए हैं, ये सब डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप लोग वीवो V23e 5G के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम बात करें बॉक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीवो के जो स्मार्टफोन होते हैं वो डिज़ाइन वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और इनका जो बॉक्स है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा और ग्लिटरी डिज़ाइन इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमारा स्मार्टफोन निकल के आ जाता है मिडनाइट ब्लू कलर में और इसका एक सनशाइन गोल्ड कलर और आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी कलर चेंजिंग इफेक्ट दोनों ही स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलेगा जो कि वीवो V23 और प्रो में दिया गया है। केस देखने को मिल जाता है ट्रांसपेरेंट, केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है। और नेक्स्ट एक 44 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं 3.5mm जैक वाले ईयरफोन्स। और वीवो की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अभी तक भी बॉक्स में ईयरफोन्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सी स्मार्टफोन कंपनीज तो अभी के टाइम में आपको जो चार्जिंग अडेप्टर है वो भी बॉक्स में प्रोवाइड नहीं करते। और साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है एक टाइप सी की चार्जिंग डाटा केबल। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एक सिम इजेक्टर टूल। साथ में यहाँ पे आपको एक जो है कनेक्टिंग पोर्ट दी गई है जो कि आप इस ईयरफोन को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो इसका मतलब है फोन में आपको 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलने वाला। तो चलिए अब इस बॉक्स कंटेंट को हम करते हैं साइड में और आगे बढ़ते हैं हमारे स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिडनाइट ब्लू कलर है, मैट फिनिशिंग के साथ ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है। हालांकि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा विजिबल है। साथ ही यहाँ पे आपको फोन के बैक साइड में जो है ग्लास ही देखने को मिलता है और जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल फ्लैट है फ्रंट साइड से और बैक साइड दोनों तरफ से। और यहाँ पे आप बैक साइड में कैमरा का डिज़ाइन देख सकते हो। कैमरा के जो रिंग्स हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के दिए गए हैं जो कि डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में चल रहा है। और कैमरा का जो बम्प है वो भी आप नोटिस कर पाओगे, बिल्कुल माइनर है। और अगर मैं बात करूँ फ़ोन के ऑल ओवर वेट की और थिकनेस की, तो यहाँ पर फ़ोन में आपको 7.32mm की थिकनेस देखने को मिलती है और 172 ग्राम्स का वेट दिया गया है। इस वजह से फ़ोन जो है आप हाथ में जब होल्ड करते हो तो काफ़ी लाइट वेट भी फील होता है और स्लिम भी फील होता है। और चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ़ोन के साइड पोर्ट्स और बटन्स की। यहाँ पे नीचे की तरफ एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, साथ में है माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। तो गाइस, यहाँ पे जो फ़ोन की सिम ट्रे है वो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे आप या तो दो नैनो सिम का यूज़ कर सकते हो या फिर एक SD कार्ड का और एक सिम का। और चलिए फ़ोन के राइट साइड में तो ऊपर की तरफ वॉल्यूम रोकर्स है और ठीक नीचे पावर बटन। फ़ोन का लेफ्ट साइड जो है बिल्कुल प्लेन दिया गया है और ऊपर की तरफ आपको एक सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। और चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.44 इंचेस की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है और वाइड 1 L1 का भी सपोर्ट दिया गया है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर ड्रॉप डाउन नोच दी गई है। सो इस यहाँ पे जो क्वालिटी है डिस्प्ले की उसके मामले में तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जो कलर्स वगैरह हैं और जो क्वालिटी है, जैसे आप कोई भी वीडियो वगैरह वॉच करते हो, गेम वगैरह प्ले करते हो, तो उसमें काफ़ी शानदार रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो वाटर ड्रॉप डाउन नोच है वो फ़ोन को एक ओल्ड लुक प्रोवाइड करता है। साथ में यहाँ पे जो बेजल्स आप नोटिस कर पाओगे काफ़ी हद तक थोड़ा थिक देखने को मिलते हैं। चिन भी थोड़ा एवरेज साइज से ज़्यादा दिया गया है ऊपर की तरफ से आप देखोगे, तो ये फ़ोन को जो है थोड़ा ओल्ड लुक प्रोवाइड करता है। डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बेजल्स है वो थोड़ा और थिन हो सकते थे। बाकी फ़ोन में यहाँ पे आपको कोई भी हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल 60Hz का ही रिफ्रेश रेट है। तो इस बजट में अभी के टाइम में नॉर्मली आपको 90Hz तो देखने को मिल ही जाता है। सो यहाँ पे ये एक और कमी जो है डिस्प्ले के मामले में मुझे लगती है। और चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। तो फ़ोन जो है फनटच OS 12 पे बेस्ड है जो कि एंड्रॉयड 12 पे ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 ही फ़ोन में देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे फ़ोन जो है काफ़ी सही है, इजी टू यूज़ है, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला। बट यहाँ पे आपको कुछ प्रीलोडेड एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, आप उनको इजीली अनइंस्टॉल कर पाओगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फ़ोन के चिपसेट की,
तो स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का 5G चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। साथ ही यहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है और माली G57 GPU का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे जो स्मार्टफोन का चिपसेट है काफी सही आपको परफॉर्मेंस देने वाला है, गेमिंग वगैरह भी आप इजिली कर पाओगे, तो जो थोड़े बहुत हैवी टास्क है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे और डे टू डे लाइफ में तो बहुत ही अच्छे से ये चिपसेट जो है आपके स्मार्टफोन को संभाल लेगा। और साथ ही इस फोन में जो है आपको 8GB की LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, साथ में 4GB की जो रैम है आप और एक्सटेंड कर सकते हो जो कि पहले से ही फीचर इनेबल रहता है स्मार्टफोन में। साथ में 128GB की स्टोरेज है, लेकिन वो कौन सी स्टोरेज है, UFS 2.1 है 3.1 है, वो यहाँ पे डिफाइन अभी नहीं है। और चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं फोन के बैटरी सेक्शन की तरफ। तो फोन में आपको 4050mAh की बैटरी दी गई है, साथ में है 44W का फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट। सो इस कंपनी क्लेम करती है कि 1 to 67% फोन आपका 30 मिनट्स में चार्ज होने वाला है, बाकी आपके यूजर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आप जो है फोन को चार्जिंग लगा के यूज करते हो या फिर कोई टास्क बैकग्राउंड में रन कर रहा है तो उस केस में आपका जो चार्जिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, बाकी मिनिमम आपको जो है अराउंड 30 या फिर 40 मिनट्स के बीच में फोन आपको 80% तक चार्ज मिलने वाला है। तो बैटरी के मामले में काफी अच्छा सपोर्ट फोन में आपको दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लीजिए फोन की सिक्योरिटी की, तो स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट लॉक और फेस अनलॉक दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, काफी अच्छे से और फास्ट स्पीड में वर्क करता है। बाकी जो प्लेसमेंट है थोड़ा वो फिंगरप्रिंट सेंसर के नीचे है, जैसे आप एक हाथ से फोन को यूज करते हो तो फिंगरप्रिंट सेंसर से फोन को अनलॉक करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। वही बात करें फेस अनलॉक की, तो फोन का जो फेस अनलॉक है बहुत ही अच्छी स्पीड में वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही फोन फेस को स्कैन करता है तुरंत अनलॉक हो जाता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक बिल्कुल एक्यूरेटली और फास्ट वर्क करते हैं। और चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फोन के कैमरा स्पेसिफिकेशंस की। तो पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन कैमरा है 50 MP का 1.8 अपर्चर की ओपनिंग के साथ, साथ में है 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। और वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो 44 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है f2.0 अपर्चर ओपनिंग के साथ। तो गाइस अगर हम बात करें फोन के कुछ फोटो सैंपल्स के बारे में, तो ये फोटो आप देख सकते हो फोन के फ्रंट कैमरा की है नाइट टाइम में आर्टिफिशियल लाइटिंग में, तो काफ़ी कम लाइट थी रूम में, तो उसके बाद भी फोटो काफ़ी अच्छे से कैप्चर हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फोटो बिल्कुल हल्की लाइटिंग में थी, लेकिन वहीं रूम में बिल्कुल अंधेरा करने के बाद टोटली डार्क था तो उसमें फ़ोटो कुछ ऐसा निकल के आया है, तो ये कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो लाइटिंग में फ़ोटो है काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा ये आप डे टाइम की फ़ोटो देख सकते हो, फ़ोटो काफ़ी अच्छी है, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुए हैं, क्वालिटी जो है फ़ोटो की ऑल ओवर बहुत सही मुझे लगी सेल्फी कैमरा की। साथ में ये पोर्ट्रेट मोड है फ्रंट कैमरा का, इसमें आप देख सकते हो जो एजेस हैं काफ़ी सही मेंटेन हुए हैं स्मूथली। सो यहाँ पे सेल्फी कैमरा जो है काफ़ी अच्छे से फोटो कैप्चर करता है, f2.0 अपर्चर है जिससे लाइट जो है फ्रंट कैमरा में ज़्यादा कैप्चर होती है, और ये वीडियो भी आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा की बिल्कुल क्लियर है। वहीं अगर बात करें बैक कैमरा की, तो ये बैक कैमरा की फ़ोटो आप नाइट मोड की देख सकते हो, रूम में जो है बहुत ही कम लाइट थी, उस टाइम पे फ़ोटो क्लिक की है मैंने, तो ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है ये फ़ोटो, लेकिन फेस जो है विजिबल है, उसके बाद बिल्कुल हल्की लाइटिंग के साथ ये नेक्स्ट फ़ोटो है, तो बैक कैमरा का जो नाइट मोड है वो भी ठीक से काम कर लेता है, साथ में ये आर्टिफिशियल लाइटिंग के साथ फ़ोटो, तो ये फ़ोटो भी जो है बैक कैमरा की अच्छी निकल के आई है। 50 MP का मेन कैमरा है और ये आउटडोर में बिल्कुल डे टाइम की फ़ोटो आप देख सकते हो, क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, जूम करने पे भी फ़ोटो जो है जो पिक्सल्स है फ़ोटो के वो ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा ये पोर्ट्रेट मोड आप देख सकते हो बैक कैमरा का, जो एजेस है यहाँ पे आप देख पाओगे हेयर्स के पास भी बिल्कुल अच्छे से मेंटेन हो रहा है, तो टोटली बैक कैमरा की जो फ़ोटो क्वालिटी है काफ़ी शानदार है। इसके अलावा ये कुछ और कैमरा सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी फ़ोटो की क्वालिटी जो है काफ़ी शानदार निकल के आई है, आप दूर तक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्लियरली देख सकते हो। नेक्स्ट ये कुछ मैक्रो शॉट्स यहाँ पे आप देख पाओगे, मैक्रो शॉट्स भी काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं, आप बिल्कुल बारीकी से जो डिटेल है वो नोटिस कर पाओगे। इसके अलावा ये नेक्स्ट एक और फोटो यहाँ पे आप देख पाओगे, और अभी ये जो वीडियो सैंपल आप देख रहे हो ये नॉर्मल मोड का है, इसमें आप स्टेबलाइजेशन वगैरह देख सकते हो काफ़ी कम है, और इसी में आपको अल्ट्रा स्टडी मोड भी देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे अभी मैंने अल्ट्रा स्टडी मोड के साथ ये वीडियो कैप्चर की थी, आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो कितनी
स्मूथ है। और नेक्स्ट अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो अभी मैं आपको कुछ क्लोज से जो ट्रीज के लीव्स है वो शो करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोकस काफ़ी जल्दी कर लेता है फ़ोन, और जो क्वालिटी वगैरह है वीडियो की वो भी अच्छी है। और साथ ही फ़ोन के बैक कैमरा से आप स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हो, तो ये स्लो मोशन का ही एक सैम्पल है, स्टार्टिंग से एंड तक जो है आपको स्लो मोशन देखने को मिलता है। और चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैमरा यूआई की। तो फ़ोन में यहाँ पे आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड जो कि फ्रंट कैमरा में भी वर्क करने वाला है, इसके अलावा फोटो है, वीडियो है। इसके अलावा मोर के ऑप्शन में चले तो हाई रेजोल्यूशन फोटोज आप बैक कैमरा से यहाँ से शूट कर सकते हो, पैनो मोड यहाँ पे है, लाइव फोटो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो मोड वगैरह, डॉक्यूमेंट मोड वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है। साथ में ड्यूअल व्यू वीडियो यानी कि आप फ्रंट और बैक कैमरा से एक साथ वीडियो शूट कर पाओगे, डबल एक्सपोजर भी यहाँ पे है। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, जैसे V23 या प्रो में आपको ब्लर इफेक्ट के साथ, बोके इफेक्ट के साथ वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ नहीं दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आपको स्मार्टफोन के कैमरा में गूगल लेंस का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि आपके डेली रूटीन में बहुत ही अच्छे से काम आने वाला है। तो गाइस एंड में अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन में कितने 5G बैंड्स दिए गए हैं, तो इस स्मार्टफोन में आपको 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। सो गाइस इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्मार्टफोन के जो भी सभी स्पेसिफिकेशंस थे, जो भी सभी फीचर्स थे, सब डिटेल में बता दिए हैं। और अब एंड में अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फाइनल कंक्लूजन की, तो यहाँ पे इस स्मार्टफोन में मुझे कुछ कमियाँ देखने को मिली, जैसे कि एक तो यहाँ पे आपको कलर चेंजिंग बैक पैनल नहीं देखने को मिलता, जो कि V23 या प्रो में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ 5G बैंड्स ही दिए गए हैं, और साथ में जो आपको V23 और प्रो में जो स्पॉटलाइट सेल्फी देखने को मिलती है वो सब भी यहाँ पे नहीं दिया गया, और जो डिस्प्ले है उसमें कोई भी हायर रिफ्रेश रेट नहीं है। हालांकि क्वालिटी वाइज डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, लेकिन हायर रिफ्रेश रेट नहीं है, और जो डिस्प्ले का लुक है वो थोड़ा ओल्ड लुक देखने को मिलता है बेजल्स के हिसाब से और कैमरा कटआउट के हिसाब से। तो 25,990 रुपये के बजट में इन सब चीज़ों में भी जो है अपग्रेड होना चाहिए था। और बाकी गाइज अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ऑफलाइन मार्केट से बाय कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में इसका जो प्राइस है अराउंड 26,000 रुपीज़ है, लेकिन जैसे ही आप ऑफलाइन बाय करोगे तो वहाँ पे जो है आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जैसे 24,000 या फिर 23,000 रुपीज़ तक। और उसके बाद जो इसके फीचर्स है उस बजट सेगमेंट में थोड़ा सही लगेंगे। सो गाइज फाइनली ये था हमारा वीडियो वीवो V23e 5G को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई ओपिनियन है वीडियो को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप कीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।